Hello everyone, today we are going to learn our second poem on friendship. Khalil Gibran is the poet of this poem. इस कविता के कवि खलील जिब्रान अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं. The Prophet by Khalil Gibran. The Prophet उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है और On Friendship भी इसी बुक में से ली गई है. इस बुक में 26 पोएम्स हैं और ऑन फ्रेंडशिप इन्हीं में से एक है. इस कविता में कवि दोस्ती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त में कौन सी विशेषताएं होती हैं. कवि कहते हैं कि दोस्त भगवान का दिया हुआ उपहार है. हम दोस्ती का पालन पोषण प्यार से करते हैं और वापसी में हमें एक शुक्रिया मिलता है. एक दोस्त क्या है? एक दोस्त एक सपोर्ट है जो हर मुश्किल में हर समय में हमारा साथ देता है. चलिए आगे हम लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ते हैं. एंड A youth speak to us of friendship. एक युवा ने कहा हमसे दोस्ती के बारे में बात करो. ये युवा एक संत से कह रहा है कि हमें दोस्ती के बारे में बताओ. Your friend is your needs answered. तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सभी ज़रूरतों का जवाब है. ही इज़ योर फील्ड वह खेत है. यू सो विद लव जिसे तुम प्यार से बोते हो. एंड रीप विद थैंक्स गिविंग और उस फसल को शुक्रिया के साथ काटते हो. एंड ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फायर साइड वह तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारी सपोर्ट है, तुम्हारी बैकबोन है और हमेशा तुम्हारा साथ देता है. चाहे स्थिति कैसे भी हो वह तुम्हारे लिए एक जलती हुई आग की तरह काम करता है. फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस. तुम उसके पास जाते हो अपनी भूख के साथ और उससे मन की शांति मांगते हो. जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हमारे मन में बात हो, उसके समाधान के लिए हम अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे अपने मन की बात बताते हैं. तब हमें मन की शांति मिलती है और अपने सभी सवालों के जवाब. When your friend speaks his mind, you fear not the name. Name means no. In your own mind, nor do you withhold a. A means yes. अगर तुम्हारा दोस्त कोई बात तुमसे कहता है तो तुम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के नहीं बोल सकते हो. अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं हो, ठीक उसी तरह आप हाँ भी बोल सकते हो जब आप उसकी बात से सहमत हैं. दोस्ती में मन के अंदर किसी भी तरह का डर या झिझक नहीं होती. हम अपनी बात को बड़ी ही आसानी से बिना डरे, बिना किसी झिझक के कह पाते हैं. एंड व्हेन ही इज साइलेंट योर हार्ट सीज मींस स्टॉप नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट. और जब वह चुप हो जाता है तो तुम्हारा दिल रुकता नहीं उसके दिल की बात सुनने में. फॉर विदाउट वर्ड्स In friendship, old thoughts, old desires, old expectations, born and shared with joy that is unclaimed. Unclaimed, behisa.
बिना शब्दों के दोस्ती ने सभी प्यार, सभी विचार, सभी इच्छाएं, सभी उम्मीदें पैदा होती है और हम उसे बांटते हैं उस खुशी के साथ जो कि बेहिसाब होती है। When you part from your friend, you grieve not. तुम जब अपने दोस्त से अलग होते हो तो तुम दुखी नहीं होते। For that which you love most in him may be clearer in his absence. क्योंकि तुम उसकी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वह उसकी गैर मौजूदगी में ही और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। As the mountain to the climber is clearer from the plain, जिस तरह से पहाड़ पर चढ़ने वाले के लिए मैदान से पहाड़ ज़्यादा साफ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह से हमें अपने दोस्त की अच्छाइयों का बुराई उसकी दोस्त की अच्छाइयों का उसके दूर जाने पर ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। And let there be no purpose in friendship. दोस्ती में किसी भी तरह का कोई मतलब या मकसद नहीं होता। Save the deepening of the spirit. दोस्ती दिल की गहराइयों से की जाती है क्योंकि यह एक आत्मिक रिश्ता है। For love that seeks out means everything. But the disclosure of its own mystery is not love. जो रिश्ता प्यार के लिए कुछ भी चाहता है लेकिन अपने स्वयं के रहस्य का खुलासा करना प्यार दोस्ती नहीं है बल्कि but a net cast forth and only the unprofitable is caught. बल्कि एक जाल है जिसमें केवल लाभहीन व्यर्थ ही पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि दोस्ती बिना किसी स्वार्थ से की जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जो आप में सबसे अच्छा है वो अपने दोस्त के लिए रखें। इफ ही मस्ट नो द एब, एब का मीन्स होता है अवनति, कमजोर पड़ना, ऑफ योर टाइड, दुख के समय में, दुख की टाइड का मीन्स होता है लहर, दुख के समय में जब आप कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे दोस्त को वो भी पता होना चाहिए। लेट हिम नो इट्स फ्लड ऑल्सो, और यहाँ फ्लड का मीन है हमारे सुखों से, और जब हमारी लाइफ में सुख होता है तब भी हमारे दोस्त को पता होना चाहिए। इट मीन्स जब हमारे जीवन में दुखों की लहर हो तब ही नहीं बल्कि जब हमारे जीवन में सुख हो तब भी हमें अपने दोस्त को अपने साथ रखना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने दुख में तो अपने दोस्त को याद कर लेते हैं और सुख में उसे हम पूछे भी ना, सुख में उसे हम भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फॉर वट इज़ योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद हार्ट्स टू किल, वो दोस्त क्या है जिसे आप टाइम पास के लिए ढूंढते हैं। सीक हिम ऑलवेज विद हार्ट्स टू लीव, बल्कि उसे तो तुम ढूंढो जीवन के पल जीने के लिए। फॉर इट इज हिज टू फिल योर नीड, उसका काम है तुम्हारे मन की ज़रूरतों को पूरा करना, बट नॉट योर एम्प्टीनेस, ना कि तुम्हारे खालीपन को दूर करना। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर एंड शेयर ऑफ प्लेजर्स, दोस्ती की मिठास में हम बांटते हैं हंसी को, खुशी को, प्यार के पलों को।
फोर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स द हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग एंड इज रिफ्रेश्ड। ये दोस्ती की मिठास उसी तरह से हमारे दिल को तरोताज़ा करती है जिस तरह से ओस की बूंदों से सुबह तरोताज़ा होती है, उसी तरह से दोस्ती की मिठास भी हमारे दिल को तरोताज़ा करती है। थैंक यू।